वजीर इत्तलात शौकत यूसुफ जई ने रद्दअमल देते हुए कहा कि हटाए गए वुजरा ग्रुपिंग में मुलव्वस थे। इनकी तरफ से ये तासुर भी देने की कोशिश की गई कि वजीर आला अहल नहीं और काम नहीं करते। हालांकि फाटा इंजमाम वजीर आला महमूद खान का कारनामा है और इन वुजरा ने फाटा इंजमाम में भी तावुन नहीं किया। वजीर इत्तलात ने मजीद कहा कि वजीर आजम इमरान खान के इल्म में जब ये बात आई तो उन्होंने इजहार नाराजी किया। इन पे यही इल्जाम था कि ये एक तो ग्रुपिंग में मुलविस हैं, दूसरा ये था कि जो कैबिनेट के जो डिसीजन होते थे वो उनसे नाराज करते थे, क्योंकि कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी होती है कैबिनेट के फैसलों को, क्योंकि वहाँ पे आपने अपनी बात तो कर सकते हैं आप, लेकिन जो मेजॉरिटी किसी इशू पे फैसला कर लेती है तो फिर वो बाइंड हो जाता है तमाम वज़रा के ऊपर, वो फिर उसको मानते हैं। लेकिन इन पे यही था कि ये अक्सर उस फैसलों को नहीं मानते थे, तो उससे काफी एक तो शुरू से काफी कोशिश की गई कि इस इशू को दबा के रखा जाए और ये चीजें बाहर ना जाए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो मीडिया के ऊपर आने लगी, फिर उनके जो है वो खुलकर आने लगे और डायरेक्ट वजीर आला को टारगेट किया गया, कुछ वजरा को टारगेट किया गया, तो जाहिर बहुत सारी चीजें उनको समझाया भी गया, लेकिन वो शुरू दिन से लेकर आखिर तक उनका वो जो वो था वो सही नहीं हो सके, एटीट्यूड या रवैया तरह, तो जाहिर है फिर पार्टी में फैसला तो करना होता है, बोल्ड फैसला करना होता है, और जब बोल्ड फैसले होते हैं तो उसके असरात भी होते हैं, उसके नतायज भी निकलते हैं, तो अब इंशाल्लाह ताला अच्छे असरात होंगे, पंजाब के अंदर भी आप देखेंगे और बलूचिस्तान के अंदर भी आप देखेंगे।